स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कंप्यूटर जो है एजुकेशन में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स में कैसे यूज़ हो रहा है। तो आज हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन होती क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि आप अपना नॉलेज, जो अपना इल्म है, उसको इंक्रीज़ कर लें। अब इंस्ट्रक्शंस आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं? आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, टीचर्स दे सकते हैं, या कोई किताबें वगैरह पढ़ के आप इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। तो मसला ये है कि जब आपने इंस्ट्रक्शन देनी है तो बड़े एक्यूरेट वे में अगले बंदे को समझ भी आनी चाहिए कि जी इंस्ट्रक्शन ये हैं और मैंने इस तरीके से अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। तो बड़ा क्विक वे है, बहुत जल्दी से और बहुत एफिशिएंटली अपनी इंस्ट्रक्शंस अगर आपने पहुंचानी हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर कंप्यूटर जो है आपके लिए दी बेस्ट साबित होते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी भी टॉपिक पे, तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए डिफरेंट वेज फाइंड आउट करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स दे देते हैं या फिर ऑनलाइन हैंड आउट्स दे देते हैं, ठीक है, या ईमेल के थ्रू कन्वे कर देते हैं, कोई पीडीएफ्स दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल चलता रहता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि आप तालीम हासिल करने के लिए या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो कि कंप्यूटर के ज़रिए दी जाए वो CBT है, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकें। या तो आप इंटरनेट पर उन सारे रिसोर्सेज को रख देंगे या किसी CD के थ्रू जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देंगे, CD पे रिकॉर्ड करके अपना लेक्चर स्टूडेंट्स को दे देंगे। आपके जो भी मटेरियल्स होते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। जो स्टूडेंट है वो नई स्किल्स जो हैं वो आराम से सीख लेते हैं। इस तरीके से ट्रेनिंग का टाइम भी कम लगता है, ठीक है, और बार बार अगर स्टूडेंट को आपकी हेल्प चाहिए तो वो आराम से वो लेक्चर खोल के सुनता रहता है, तो आपकी जो स्ट्रगल भी थोड़ी इसमें कम। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है कि आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और उससे ढेरों लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं एट ए टाइम, चाहे वो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो जहाँ भी आपने अपना मैसेज या अपना कोई भी लेक्चर या कोई भी ट्रेनिंग कन्वे करनी है, वीडियो के एक वीडियो बनाएं और सबको शेयर कर दें। ये मेथड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ इन टच रखना है। लेक्चर जब भी ऑन डिमांड स्टूडेंट रिपीट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग का। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टीचिंग या लर्निंग के प्रोसेस से गुजरे तो इसको बोलेंगे हम कैल, ठीक है। इससे टाइम बचता है, टीचिंग मटेरियल भी जो भी प्रिपेयर करना है उसका टाइम भी बच जाता है आपके पास। और इसी तरह अगर आपने कोई रिसर्च शेयर करनी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोड भी आप पर कम से कम होता है। टीचर आसानी से अपनी स्लाइड्स बना लेते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए लेक्चर्स डिलीवर कर देते हैं, या फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ज़रिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा हॉल है, तो वहाँ पे आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में कंप्यूटर जो है बहुत ज़बरदस्त हेल्प आउट कर रहा है। डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ऑनलाइन दिए हुए होते हैं, तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। हाउ अ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल एट होम। अब घर में कैसे कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल हो सकता है? घर में ढेर सारी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे TV है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंप्यूटर पर गाने भी प्ले करते हैं, कार्टून्स पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं, इसके अलावा मूवीज़ देख सकते हैं। घर वाले जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो बड़े मतलब कैपेसिटी वाइज कम होते हैं, छोटी हार्ड डिस्क, ठीक है, चल जाती है, छोटी रैम भी चल जाती है, प्रिंटर मॉडेम वगैरह लगा हो तो आपका PC परफेक्टली काम करता है। घर में आराम से आप किसी को ईमेल भेजनी है, रिसीव करनी है, मैसेजेस भेजने हैं, ऑनलाइन रिसीव करने हैं, कोई रिकॉर्ड आपने रखना है या फिर घर का बजट बनाना है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंप्यूटर जो है वो आपका साथ देता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि कंप्यूटर हमारे काम को किस तरीके से आसान बना रहा है। तो ये तो हमने इतनी चीज़ें, इतनी एप्लीकेशंस देखी हैं कि आप मेरे बगैर बताए भी इस पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको देंगे उसी हिसाब से ये काम कर रहा होता है। खुद ना तो ये सोच सकता है, ना ही कोई डिसीजन ले सकता है, इसकी कोई फीलिंग नहीं है, ना ये थकता है,
ठीक है ना, ये तंग पड़ता है जितना भी हम इसे काम करवा लें। तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये हमसे फास्ट है, इसे कोई रेस्ट नहीं चाहिए, कोई थकावट नहीं है। जहाँ पर इंसानों के लिए डेंजरस एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये आसानी से काम कर लेगा। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम स्टोर कर सकता है। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अगर इसमें स्टोर्ड है तो उसमें से आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी से उठा के आपको मुहैया कर सकता है। आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें रख दी है कभी भी वो लॉस्ट नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन, या मिसप्लेस नहीं मिलेगी, वो पड़ी होगी अगर आपने उसमें सेव की हुई है, और हमेशा कैलकुलेशंस का बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।